पूछ तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000. आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर और मेरे ख्याल में जय शाह जाम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो वेरी वेल डन और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया. वेल डन, जैसे शायर ने कहा ना, सम टाइम जब हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बारिशों में उसने टूर्नामेंट रखवा दिया, अब उसने अच्छा एक नेकी का काम किया, और नेकी का काम नहीं किया, उसने एक्नॉलेज किया. देखिए ये पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन पैनल है, उनको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो T20 क्रिकेट है उसका फॉर्मेट और जो आपका वनडे या टेस्ट फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. हमारे उसी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि जो T20 में खेल रहे हैं उनके पास ना कोई वेरिएशन है, ना उनके पास रिस्क में जान है, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन है, और वही उनको ट्राई आउट किए जा रहे हैं. और स्पेशली अगर इनके बस में हो तो मेरा ख्याल है कि उन T20 वालों को उठाकर वो टेस्ट मैच में भी डाल दें. देखिए जो टेस्ट सीरीज आपकी हुई है, स्पेशली पीछे इंग्लैंड के खिलाफ आपकी, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत सीरियसली स्ट्रगल किया है, और इनके पास कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था कौन सा इन्होंने बॉलर वहां पे खिलाना है, किसको नहीं खिलाना. जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है. यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं. अगर ICC के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि BCCI दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है. बताते चले कि हाल ही में एशिया कप 2023 कंप्लीट हुआ है. एशिया कप 2023 भारत ने अपने नाम कर लिया है. बताते चले कि भारत पहली ऐसी टीम बनी है जिसने 8 बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया हो. इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि एशिया कप 2023 को कंप्लीट करने में श्रीलंका के ग्राउंड्समैन का काफ़ी योगदान रहा है. इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए BCCI के सेक्रेटरी और ACC के प्रेसिडेंट जय शाह ने एशिया कप की समाप्ति में एक बड़ी घोषणा की थी. बताते चले कि जय शाह ने श्रीलंकन स्टाफ को $50,000 देने की घोषणा की थी. जय शाह के इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर से हर तरफ जय शाह की चर्चा हो रही है. इसके साथ साथ BCCI की चर्चा हो रही है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जय शाह के द्वारा उठाया गया यह कदम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और हमें इसकी तारीफ भी करनी चाहिए. तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जय शाह के द्वारा किए गए इस काम को लेकर क्या कहा है. जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000. उनको ये इनाम दिया जाएगा बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली, वरना तो ना खेल पाते ना हम देख पाते. जी लाला, सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है. और अगर आपको याद है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंडमैन्स की. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर और मेरे ख्याल में जय शाह जाम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो वेरी वेल डन और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन ACC. बिल्कुल जी, हम जरा वो ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे जो जय शाह ने ट्वीट की है. सो द प्रेसिडेंट ऑफ ACC जय शाह ने ये ट्वीट की और ट्वीट में कहा, द एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आर प्राउड टू अनाउंस वेल डिजर्व प्राइज मनी फॉर ऑफ $50,000 फॉर द डेडिकेटेड क्यूरेटर्स एंड groundsmen at the Colombo and Kandy ground. Their unwavering commitment and hard work made the Asia Cup 2023 an unforgettable spectacle. From pitch perfection to lush outfields, they ensured the stage was set for thrilling cricket actions. This recognition highlights the critical role these individuals play in cricket success. Let's celebrate and honor their services. जी मुर्शिद, outstandingly, well done. जैसे शायर ने कहा ना, सम टाइम जब हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बारिशों में उसने टूर्नामेंट रखवा दिया, अब उसने अच्छा एक नेकी का काम किया, और नेकी का काम नहीं किया, उसने एक्नॉलेज किया है,
और ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पे ग्राउंड्समैन की बहुत इज्जत की जाती है। उनके जो ग्राउंड्समैन होते हैं उनको उनकी ब्रेक भी आती है जैसे हमारी ब्रेक्स आती हैं एज ए प्लेयर। वो ये एक छोटा सा जस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हम सब एशियन टीमें हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, आई थिंक दे शुड एक्नॉलेज दैट। और ये एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हमारे जो ग्राउंड्समैन होंगे वो दिल से काम करेंगे और पिचें भी अच्छी तैयार करेंगे ताकि हमारे ग्रास रूट के ऊपर वो लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा एक वो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे पिचें अच्छी तैयार होंगी, ग्राउंड अच्छे तैयार होंगे, तो हमारे क्रिकेटर्स नए यंग क्रिकेटर्स जब आएंगे तो दे कैन गेट यूज्ड टू इट टू प्लेइंग ऑन गुड पिचेस एंड गुड ग्राउंड्स। तो वही एक चीज, एक ही प्लेयर है, उनको तीन फॉर्मेट में घुसाए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि लंबे अरसे के लिए ये जो डंक टपाव पॉलिसी आपकी और टाइम वेस्टिंग पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। आपको हर फॉर्मेट में जो स्पेशलाइज्ड बॉलर्स हैं उनको लाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी टीम बनेगी। और स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स का, जब तक आप वर्कलोड मैनेजमेंट उसमें नहीं करेंगे, उनपे जो बायोमैकेनिकल थोड़े थोड़े इश्यूज हैं आप उनको काउंटर नहीं करेंगे, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको, और फिर उनके जो पेरिडाइजेशन प्लान्स हैं जिसके मुताबिक एक फास्ट बॉलर को गुजारना होता है उनको माइक्रो मैसो और जो जो दूसरे साइकिल्स हैं उनमें से, ताकि उनकी फिटनेस भी बरकरार रहे और वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिकेट खेलते रहे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हम इस इवेंट से पहले ना इंडिया के लिए बार बार ये बात करते थे कि इतने सारे ऑप्शंस होना ना उनके लिए बड़ा खतरनाक हो गया है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन देखिए वो तैयारी इतनी अच्छी थी कि एक एशिया कप में कॉम्बिनेशन भी बना और वो वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप भी बन गए। जिस तरह से वो फाइनल जीते हैं उन्होंने अब बता दिया है, दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जैसा और बीसीसीआई की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने जैसा की तारीफ करते हुए कहा है कि जब एशिया कप 2023 स्टार्ट नहीं हुआ था तब हम जैसा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जब एशिया कप का फाइनल हो चुका है तब हम जैसा की तारीफ कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न यह है कि जैसा ने जो ग्राउंड स्टाफ के लिए घोषणा की है वह काफ़ी सराहनीय है। इसके साथ साथ शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा कि इससे ग्राउंड स्टाफ का मोराल और भी बढ़ता है और वो और अच्छे ग्राउंड भी बनाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुसी भाई ने भी जैसा की तारीफ करते हुए कहा कि इससे ग्राउंड स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया ने जैसा की जमकर तारीफ की है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि एशिया कप के खत्म होने के बाद अब जल्द ही वर्ल्ड कप 2023 भी स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2023 में बहुत गंदा प्रदर्शन किया था, यही रीजन है कि वर्ल्ड कप 2023 में टीम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग की एक टीम आईसीसी को भेज दी थी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम में क्या क्या चेंजेस लाता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की जैसी परफॉर्मेंस एशिया कप 2023 में थी, इफ़ इन केस अगर वर्ल्ड कप 2023 में भी वैसी ही परफॉर्मेंस रही तो बाबर आजम की कैप्टेंसी जरूर चली जाएगी। तो दोस्तों अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत और पाकिस्तान की टीमें वर्ल्ड कप 2023 में कैसा प्रदर्शन करने वाली हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। Thank you.